ऑडियंस, दिस इज रुपेश जैन फ्रॉम नाटक क्लासेस, और आप देख पा रहे होंगे मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूँ, और खुश होने वाली बात भी है क्योंकि हमारे क्लास 12 का रिजल्ट आया है कल सीबीएसई वालों का, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की, हमने भी अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया, हम सारे टीचर्स ने, नाटक क्लासेस की टीम ने, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और वो सारे रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट हमारे बीच बैठी है, बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटेड स्टूडेंट नेहा जैन। नेहा, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट नेहा का आया, सारे सब्जेक्ट में बहुत एक्सेल किया इसने, बहुत अच्छे मार्क्स लाए। मैं नेहा को बधाई देने के साथ ये पूछना चाहूंगा कि हाउ वाज योर जर्नी इन नाटक क्लासेस, हमारे साथ कैसी रही? सर, यू ऑब्वियसली नो हाउ इट वाज। आई वुड से इट वाज द मोस्ट बैलेंस्ड जर्नी। बैलेंस्ड मतलब वी डिड इक्वल पार्ट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड वी आल्सो एंजॉयड इट। मतलब हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने पूरे साल बस पढ़ते ही गए। नो, इट वाज इवन हम क्लास में आते थे 3-3 घंटे, वो फील नहीं होता था कि वो 3 घंटे का है। तो बैलेंस्ड इज नॉट बोरिंग, बैलेंस इज समथिंग जो मैं बहुत टाइम से थ्राइव करने की कोशिश कर रही थी। एंड फाइनली 12th में जब वो सेट हुआ वो पेस का, कि हमने हार्डवर्क भी करा, साथ साथ में पढ़ा, मस्ती किया, एंजॉय किया, पार्टीज हुई, तो वो उसके कारण से आई थिंक वो मेंटल स्टेट पे इंपैक्ट होके मार्क्स भी इमीडिएटली अच्छे आ गए, जो मेन पर्पस होता है कोचिंग का, और विद एंजॉयमेंट। हां, तो बहुत फुलफिलिंग था ये, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जैसा। तो एज अ टीचर आई वाज आल्सो सेटिस्फाइड विद दिस बैच, और स्टूडेंट की तो अब बात हम सुन ही रहे। कुछ ऐसा यूनिक जो आपने नाहटा में आने के बाद फील किया कि यहां कुछ अलग था जो एज अ स्टूडेंट मैं मिस कर रही थी? बहुत सारी चीजें, पर दो चीजें जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसकी नंबर वन पर्सनल इंटरेक्शन। भले ही क्लास में जितने भी बच्चे हो, सारे तीनों टीचर्स ने, आपने सब ने इक्वल टाइम दिया, और हर बच्चे को स्पेशली आप लोग ने पीटीएम में आप लोग ने एक एक बच्चे को अलग अलग एडवाइस दी। मतलब जो आपने एडवाइस मेरे को दी, आपने वो एडवाइस मेरे दोस्त को नहीं दी, क्योंकि यू गाइज नो कि यू नो हाउ वी आर एंड हमको अलग अलग कैसे पढ़ना चाहिए। सो पर्सनल इंटरेक्शन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द बुक्स, क्योंकि आपने दो बुक्स बनाई थी एंड अभी तो आपकी थर्ड भी आ रही है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटा। पर आपकी जो ब्रह्मास्त्र और आपकी नॉर्मल जो रेगुलर बुक थी, उसके अलावा मेरे को कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सेम विद अभिषेक सर की वो जो थ्योरी वाली बुक अकाउंट्स की, वो मतलब परफेक्ट थी, उसी को बस पढ़ के पूरा अकाउंट्स का एक बार में थ्योरी। यूडी सर खुद नोट्स लिखाते थे क्लास में, तो वो सेल्फ मेड नोट्स भी थे लेकिन वर्ड सर के थे, तो वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था कि पूरा मतलब वही पैकेज हो गया। हाँ, पूरा पैकेज बन गया। एग्जाम के टाइम का जो गैप होता है, जनरली वो गैप बहुत पैनिक हो जाते हैं हम, साल भर कितना भी पढ़ा हो लेकिन उस टाइम पे पैनिक हो तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। तो ऐसा कुछ महसूस हुआ कि हम अकेले पढ़ गए हैं, कि यहाँ के टीचर्स के से उस टाइम पे भी आपको सपोर्ट मिलता रहा? जब 12th मेरा स्टार्ट हुआ था, तब 12th के एग्जाम स्टार्ट हुए थे, तब मेरे को अचानक से बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गया था। तो मैं फिर आई थी, हम लोग आप लोग से मिले थे एंड आपने आज सर आपने बोला था कि नेहा क्या पैनिक कर रही है, नेहा को कहाँ से स्ट्रेस होना चाहिए। सच भी है ये। पर वो इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसीलिए था क्योंकि जब अंदर पता रहता है कि खुद के टीचर को बिलीव है आप पे, तो इमीडिएटली कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड कॉन्फिडेंस तो आप बोलते ही रहे हो कि बहुत अच्छा है। सेम विद अभिषेक सर एंड यूडी सर, सबने कॉन्फिडेंस ग्रो करने में हेल्प किया। तो अकेला एग्जाम के टाइम कभी नहीं लगा, क्योंकि भले ही हम घर पे पढ़ रहे थे अकेले, लेकिन हम एक्चुअली में अकेले नहीं थे, क्योंकि वो क्लासेस पूरी दिमाग में याद थी, आप लोग के वर्ड्स याद थे पूरे, तो कभी अकेला ऐसा वो नहीं था। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सारे टीचर्स ये फील करते हैं कि जब पेरेंट्स ने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को भरोसा करके हमारे पास भेजा है, तो पेरेंट्स को और बच्चों को स्ट्रेस फ्री कर दें, हम इस तरीके से पढ़ाए, वो कोशिश की हमने। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमको देख रहे हैं एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि 11th में हैं, 12th में हैं, कॉमर्स लिया है, कहाँ से हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, कहाँ पर पढ़ाई बोरिंग ना लगे। तो अगर आप उनको सजेशन दे सके जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो क्या सजेशन रहेगा आपका 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए? डेफिनेटली कंफ्यूज्ड होना इज वैलिड, क्योंकि 11th में आके पूरा लाइफ बदल जाता है। 10th तक जो सेम पढ़ाई रहती है, 11th में यू चूज व्हाट यू वांट।
रायपुर में जो रहने वाले और इवन जो ऑनलाइन करते हैं कि आप लोग के तो इंटरनेशनल स्टूडेंट भी है, तो बट जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स में देख रहे हैं आगे करने का और मेन तीन सब्जेक्ट्स के लिए चार मैथ्स भी है, अप्लाइड मैथ्स भी हमारे यहां पे, तो जो लोग ढूंढ रहे हैं आई वुड सजेस्ट नाटक प्रोफेशनल क्लासेस ओनली बिकॉज वही अगेन यहाँ पे जो पर्सनल इंटरेक्शन है ये पूरा घर टाइप का है एंड वो जो घर में जो पढ़ाई होती है वो वैसी प्रॉपर होती है प्लस यहाँ पे दोस्त हैं प्लस यहाँ पे मेंटर्स हैं प्लस यहाँ पे मस्ती होती है एंड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन होता है उसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि घर पे हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए वो कंसिस्टेंट रहे थोड़ा 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 पढ़ते रहे तो एंड में जा करके स्ट्रेस नहीं जैसा कुछ नहीं होता तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा नेहा के साथ और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इनके फ्यूचर के लिए मैं बहुत बहुत सारी बधाई देता हूँ ऑल द वेरी बेस्ट बहुत अच्छा करो अभी सीए जर्नी में ये एंटर कर चुकी हैं बहुत अच्छा करेंगी मुझे मालूम है और थैंक यू सो मच सर सीरियसली